मुलायम सिंह यादव के समधी पूर्व विधायक ने बोला सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर जुबानी हमला। जनपद में सपा की हार को प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनके पुत्र पूर्व सांसद अक्षय यादव को बताया जिम्मेदार। ये लोग जिले की जनता को लूट रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, इसी के कारण है कि आज सपा का सफाया हो गया है। अब यादव साइकिल से उतरकर भाजपा में आ गया है। 70% यादवों ने बीजेपी में वोट किया है। सपा ने 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव इस बार सिरसागंज सीट से भाजपा से लड़े, चुनाव हारे थे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव और हरिओम यादव के बीच चली थी प्रतिद्वंद्विता। इसके चलते सपा से निष्कासित किए गए थे हरिओम यादव। विधानसभा चुनावों में थामा था बीजेपी का दामन। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता अमरेश राजपूत की रिपोर्ट, SKH न्यूज। दिल्ली में समाजवादी पार्टी का सफाया हुआ है, क्या कारण रहा है? समाजवादी पार्टी का जनपद फरीदाबाद में पूरा सफाया हो गया है और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो प्रोफेसर रामगोपाल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उसका लड़का है और इन्होंने इस जिले को बर्बाद कर दिया। इस जिले में कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ व्यापार बढ़ा रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों का शोषण करते हैं और जनता की लूट करते हैं और इसी का कारण है कि 70% यादव अब साइकिल से उतर करके भाजपा की तरफ चला गया, बूथ में मतदान किया है। इसलिए अब यहाँ के यादवों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान हो रहा है और यादवों का बेहतर प्रवर्तन हो गया है, अब वो भाजपा की तरफ रुझान कर रहा है।